जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सादिया सैफ हूँ और मेरी ये पहली वीडियो है डेंटल क्वेश्चंस के हवाले से। थोड़ा सा मैं जो है ये चाह रही थी कि हम थोड़ा सा समझें, जो कि मेरे रेगुलर पेशेंट्स आते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि क्या होता है रूट कनाल का प्रोसीजर और एक्चुअली हम उसमें करते क्या हैं। तो पहले तो आप इसको इस तरह से समझें कि हर दांत की तीन लेयर्स होती हैं। नंबर वन लेयर, अगर हम इसको हाफ वे स्लिट कर दें दांत को, तो दांत की तीन लेयर्स होती हैं। नंबर वन जिसको हम इनैमल कहते हैं, नंबर टू जिसको हम डेंटीन कहते हैं, और नंबर थ्री जिसको हम पल्प कहते हैं या नस कहते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस किसी भी वजह से दांत के अंदर कीड़ा लग जाए या दांत खिसक दिया जाए या किसी ने दांत तोड़ दिया हो या कोई बहुत तेज़ी से ब्रश करता हो, जो भी रीज़न हो, अगर खुदा ना खास्ता कोई भी इन्फेक्शन हमारे दांत की थर्ड लेयर तक पहुंच जाता है, तो ये जो पल्प होती है हमारी या जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं दांत की, वो इन्फेक्ट कर जाती हैं और सूज जाती हैं। उसके नतीजे में हमारे, ये आप समझ लें कि ये बोन है, ठीक है, ये हड्डी के अंदर का हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो सूज जाती है, जिसके नतीजे में पस का एक छोटा सा दाना सा बन जाता है उसके नीचे। इस जब खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, तो हम जो है दांत को बचाने के दो तरीके होते हैं उस वक्त पे, कि या तो आप दांत निकाल दें, मतलब ट्रीटमेंट ये होता है कि या तो आप दांत निकाल दें या तो आप ये नस निकाल दें। जो नसों को निकालने का और साफ़ करने का प्रोसीजर होता है, उसको आम अल्फाज में रूट कनाल थेरेपी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें जो हैं वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, वो ये हैं कि हर दांत की अपनी अमाउंट ऑफ रूट्स होती हैं, मतलब उस दांत के अंदर कितनी जड़ें हैं। हर दांत की अपनी सेपरेट जड़ें होती हैं, कुछ के अंदर दो होती हैं, कुछ के अंदर एक होती है, कुछ के अंदर तीन होती हैं, और हर जड़ के अंदर नसें होती हैं। कुछ जड़ों में एक नस होती है, कुछ में दो नसें होती हैं, कुछ में तीन होती हैं, एंड सो ऑन। और क्लाइमेक्स ये है कि हर नस की अपनी लंबाई होती है। किसी नस की लंबाई जो है वो 18 मिलीमीटर होती है, किसी की 19 होती है, किसी की 20 होती है, किसी की 21 होती है, किसी की 22 होती है, किसी की 23 होती है, और सो ऑन। रूट कनाल प्रोसीजर जो होता है वो चार स्टेप्स पे मतलब फोर स्टेप्स का प्रोसीजर होता है। उसमें हमने करना क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में पहले तो हमने ये नसें एक्सरे पे देख के हम मालूम कर लेते हैं कि भाई कितनी जड़ें हैं दांत की, कितनी नसें हैं उनके अंदर, और हम उनको साफ़ कर देते हैं, पूरी लंबाई तक उसकी सफाई कर देते हैं। पस का दाना आहिस्ता आहिस्ता सुखड़ता जाता है और साथ में दवाइयाँ भी लेता है मरीज़। दूसरी सिटिंग पे फिर हम ये करते हैं कि इसको एग्जैक्ट उसी पोजिशन पर जितने मिलीमीटर की नस थी, जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर किसी दांत की जो नस है उसकी लंबाई है 18 मिलीमीटर और उसके अंदर, उस दांत के अंदर दो जड़ें हैं और पांच नसें हैं, तो हम हर नस को इंडिविजुअली अलग अलग एक्सरे को देखने के बाद उसको वो कर लेते हैं, तायुन कर लेते हैं कि भाई उसके अंदर कितने मिलीमीटर की नस है और कितनी है एक्सेट्रा। उसको उसी तरह से साफ़ करके उसी लेवल के ऊपर अब हम भर देते हैं। ठीक, तो ये पस का दाना जो है वो ग्रेजुअली श्रिंक करके हमारा दांत जो है वो हड्डी के अंदर हील कर जाता है। और बाद में दांत के अंदर पोस्ट डाल के, क्योंकि अब जब दांत की रूट कनाल हो गई ना, तो दांत जो है आप समझें कि मुर्दा हालत में आ गया है, आम अल्फाज में मुर्दा हालत में है, तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती, इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती कि वो हमारा खाने पीने का लोड बर्दाश्त कर सके। तो हम क्या करते हैं, उसको ताकत देने के लिए उसके अंदर एक ये पोस्ट डालते हैं, उसके ऊपर फिलिंग करते हैं और फिर उसके ऊपर कवर बना देते हैं, तो दांत मजबूती से रहता है और फिर इंशाल्लाह उसकी लाइफ होती है अगर आप उसको मेंटेन कर लेते हैं। ये प्रोसेस रूट कनाल का प्रोसीजर कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो गए होंगे, और इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो के साथ फिर हम दोबारा वापस आएंगे। थैंक यू सो मच।